नमस्कार, कैपिटल टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूँ स्वतंत्र जैन। आज हम बात कर रहे हैं जासूसी की। पेगासस सॉफ्टवेयर इन दिनों चर्चा में है, और जो चर्चा में है उसका कारण यह है कि अभी तक हम सुनते आते थे कि अगर किसी को आपको चोरी करनी है तो घर जाना होगा, उसकी जेब काटनी होगी। लेकिन अब चोरी का तरीका है कि आपको ना जेब काटने की जरूरत है, ना उसके घर में घुसने की जरूरत है। आप उसके मोबाइल के माध्यम से सब कुछ उसका चुरा सकते हैं। जो उसके पास है, उसके बैंक में रखा हुआ है, वो चुरा सकते हैं। उसके घर में उसकी जानकारियां हैं, वो पता कर सकते हैं। आपका जो भी आपकी इमेज है, और वो आपको काफी हद तक अनावृत कर देती है लोगों के सामने, कि आप अपने आप को शायद बचा भी ना पाए, जो कि आपको शायद चोरी में भी इतना नुकसान ना हो, उस तरह की चोरी हो सकती है। और इस दावा किया जा रहा है, जो एमनेस्टी की रिपोर्ट आई है, कि काफी ऐसे लोग जिनको जिन तक पहुंचना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं होता, उनकी भी इनको उनके साथ भी ये चोरी हुई है। और इस चोरी को कहा जा रहा है कि यह स्नूपिंग या फिर स्पाईवेयर के माध्यम से हुई है। हम इसी बात बात कर रहे हैं कि क्या सचमुच ये हो रहा है, क्या ये पॉसिबल है। अगर होता है तो इसको कैसे रोक सकते हैं? अगर और ये हो रहा है तो क्या उसको पकड़ा भी जा सकता है कभी, या पकड़ना नामुमकिन है? क्योंकि सारे चोर लोग हैं जिनको हम कहा जा रहा है स्पाईवेयर, ये बाहर बैठे हुए हैं। हमारे साथ हैं अजय डाटा जी, जो कि डाटा सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं और जयपुर से जुड़ रहे हैं। आपने वीडियो मीट नाम से एक नया सॉफ्टवेयर बनाया हाल में, जो चर्चा में बना हुआ है। हमारे साथ अजय राठा जी हैं। अजय जी, क्या इस तरह के सॉफ्टवेयर कितने जीरो ने कहा कि 0 डे आपको एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, वो आपको 0 डे जिसको कहा जाता है, और उसके कारण कोई भी मोबाइल हैक हो सकता है। क्या ये पॉसिबल हो रहा है कि कोई भी मोबाइल आपका हैक हो जाए और आपका सारा डाटा दूसरे मोबाइल में पहुंचे, आपको पता भी ना चले? चंद्र जी, लेट अस टेक वन स्टेप बैक। इस पे मैं जरूर जवाब दूंगा। आलोक ने और सचिन जी ने, आलोक जी ने और सचिन जी दोनों ने एक बात कही है। दुनिया भर में टेररिस्ट, ड्रग ट्रैफिकर्स, पेडोफाइल्स एंड क्रिमिनल्स हैव एक्सेस टू एडवांस टेक्नोलॉजी देन व्हाट गवर्नमेंट हैज, एंड गवर्नमेंट हैज ए वेरी हार्ड वर्क टू मॉनिटर, ट्रैक एंड कैप्चर देन एवर बिफोर। ये फैक्ट है। मैंने कई डिबेट्स में ये बात बोली है कि हमारे को शायद इस प्रोसेस को दोबारा रीलुक करके और उसको एक बहुत ही ट्रस्टेड मोड से बनाना चाहिए। ये बात तो तय है। मैं मेरे ख्याल से इसमें गवर्नमेंट के साथ जा सकता हूं कि अगर कोई क्रिमिनल है और जिसपे डाउट है, उसको अगर ट्रैक करना है तो उसका एक तरीका जरूर होना चाहिए, उसको ट्रैक करने की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। अजय जी, जो 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 मेरी समझ में आ रहा है कि जब आपको शिकायत कराएंगे तो आपका मोबाइल एक्सेस होगा, आपको मोबाइल देना पड़ेगा, तो इसलिए जो है ना, ये कभी होगा नहीं क्या? ऐसा ही होगा? यही है लाइटर साइड इसका, कि जिसका फोन है वो पुलिस को वो फोन नहीं देना चाहता है। यही सर, मैं आपको लाइटर पहले भी साइड कह ऑफ रहा था इट कि आगे कहीं पे भी इन्वेस्टिगेशन अनदर दैट्स बात अनदर कहीं पहुंचेगी प्रॉब्लम नहीं, बस ये ट्रेवल करती रहेगी। दैट्स अनदर प्रॉब्लम कि जो जो अगर कोई भी अथॉरिटी आप रजिस्टर कराएंगे केस, तो आपको पुलिस को भी फेस करना होगा, अपना हैंडसेट भी देना होगा, आपको हो सकता है थाने भी जाना पड़े, वो बुला भी लें इन्वेस्टिगेशन। मतलब देयर कुड बी एंडलेस थिंग विच यू हैव टू डू। तो ये बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन है। लेकिन इसको अगर अपना एक तरफ से देखें, लेट अस नॉट स्पेकुलेट कि क्या हुआ होगा। चक्कू आपके घर में सबके है नहीं है? चक्कू घर में है, जी जी उससे मर्डर कर सकते हैं, लेकिन उससे सब्जी रोज कटती है घर में। कोई भी ताकत आप लगा लें, मिसयूज रोकना शुड बी आवर ओनली एंडेवर इन दिस एंटायर डिस्कशन। आप लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को इन्वेस्टिगेशन करने से, ट्रैक करने से नहीं रोक सकते। पहले पीछे लगाया जाता था जासूस, आजकल सॉफ्टवेयर लग जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कि ये है, क्या मिसयूज तो नहीं हो रहा है? जैसे हम अमेरिका में देखते हैं, गन फ्रीली अवेलेबल है लेकिन मिसयूज होती है, लोगों को मार दिया जाता है ओपनली। वो मिसयूज है उस गन का, उसका ये पर्पज नहीं था। आज हमको ये बात करना कि ये कराया है नहीं कराया है, इस पे दिमाग ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। दिमाग इस पे लगाना चाहिए कि अगर कराया कराने की व्यवस्था है तो क्या उसका जो तरीका है वो ट्रस्टवर्दी है? क्या बाहर मैं सर मिसयूज की आपका संभावना सवाल बढ़ किस सकती पे है? देना चाहता हूँ। आज एक दुनिया होती है फिजिकल, एक होती है साइबर वर्ल्ड, जिसको बोला जाता है कि आसमानी दुनिया, जो कि जो है ना साइबर स्पेस बोला जाता है। जैसे हम यहाँ ट्रेवल करते हैं वैसे सामान, वैसे दूसरी दुनिया में भी सारी चीजें ट्रेवल करती हैं। यहाँ पे हम बस से सामान ले जाते हैं, एयरपोर्ट से सामान ले जाते हैं, वहां पे आपके सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं सामान ले जाने के लिए, तो पूरी दुनिया चल रही है वहां पर। स्वतंत्र जी, दो बातें अलग अलग हैं, आप एक बात समझिए। दो बातें हैं सिर्फ, एंड देन आई विल एंड माय पॉइंट हियर। सरकार का एक्ट एक डिस्कशन है,
कोई भी आदमी वर्ल्ड में आपका सामान हैक कर सके, डाल सके, वो एक अलग डिस्कशन है। तो अटैक से बचने का जो डिस्कशन है किसी भी आदमी से, वो एक सिक्योर्ड इंडिया की मुहिम है, जो एक अलग डिस्कशन है कंप्लीटली। आज अपना जो मुद्दा है वो सरकार का, मैं ये पूछ रहा हूँ मुकेश जी कह रहे हैं कि इंटरनेट में जो भी है कहीं भी है, एक बार ट्रंप ने भी कहा था कि आपके मोबाइल में जो कुछ भी है, कंप्यूटर में जो भी है, वो सब कुछ कहीं भी सेफ नहीं है, कुछ भी सेफ नहीं है। तो हकीकत यही है कि कुछ भी सेफ नहीं है। मैं तो यही कहता हूं कि जो भी आदमी इंटरनेट पे आ गया, प्राइवेसी वर्ड उसको अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहिए। देयर इज नथिंग प्राइवेट, समबडी विल नो। ये भ्रम है, भ्रम कि आपकी बात, आपका डेटा, आपका फोन, आपका जो है वो प्राइवेट है, वो 100%। अच्छा छोड़ देते हैं, और आप 10 सेकंड पहले बिना इंटरनेट के चले जाइए, क्या आपका जो टेलीफोन है, जो फीचर फोन था, किसको कॉल करते थे, वो एयरटेल को नहीं पता होता है? पता होता है। आपका सारा डेटा टेलीफोन कंपनी को पता होता है, किसी ना किसी को तो पता ही है ना, आपने किसको कॉल किया, किससे कॉल आया, तो वो आपका डेटा उनको पता है। लेकिन सिर्फ वो पब्लिक नहीं है, वो पब्लिक किसको होता है? लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को होता है, अगर वो मांगती है तो। अब क्या हो गया है, वो जो डेटा अवेलेबल था आपके कॉन्टेक्ट में, फोन नंबर में, वो जो सारे रिलेशनशिप है, वो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाना, 360 डिग्री नेटवर्क बनाना बड़ा आसान हो गया है कि मैं आपके फोन पे मैं इसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। आपने कहा कि जो भी इंटरनेट पर आया उसका सारी जानकारी दूसरे के पास जाएगी, और इसके इसके मास्टर हैं वो लोग जो कि अमेरिका में बैठे हैं, फेसबुक वाले, व्हाट्सएप वाले, आपके जो ना दुनिया भर की जो साइबर कंपनियां हैं, अब उन्हीं पे भारत सरकार अटैक कर रही है। भारत सरकार उन्हीं को बोल रही है कि अपने डाटा आप यहाँ लेके आओ, अपने आप संसाधन यहाँ स्थापित करो, हमारा डाटा यहाँ पे लाओ। तो अब हो सकता है कि उन्होंने ही एक हमारे ऊपर इस तरह का आरोप लगाए हो, हमें घेरे में, सरकार को घेरे में खड़ा किया हो। इट इज टू लेट ऑलरेडी। I have been talking about it. We are pursuing personal data protection bill. It's a long discussion we can do. मेरा मतलब है कि ये जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग हो सकता है कि ये सब प्रायोजित हो, ये सब क्यों संभव नहीं है प्रायोजित होना? नहीं, इसका चांस नहीं लगता है अभी ये डिस्कशन, क्योंकि आज की तारीख में बिलियंस ऑफ यूजर्स आर यूजिंग दी सर्विसेज, और जिनके कॉन्टेक्ट ऑलरेडी जा चुके हैं। आप बिल ले भी आएंगे तो वो डेटा तो जा चुका ना, वो वापसी थोड़ी आएगा।